मंत्री माननीय कैलाश मेघवाल, प्रदेश के महामंत्री श्री सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी, पूर्व सांसद मानवेंद्र जी, विधायक रोहिताश जी, जिलाध्यक्ष शंकर जी ठाड़ा, चेयरमैन साहब सुभाष जी, पूर्व विधायक श्री जीतराम जी, श्री कृष्ण कांत जैन शहर मंडल अध्यक्ष, मोहनलाल जी देहात मंडल अध्यक्ष, सुभाष गालव नगर पालिका अध्यक्ष, जैन साहब अध्यक्ष टोडा राय सिंह, रामचंद गुर्जर देहात अध्यक्ष टोडा, प्रधान टोडा गीता जी और राम गोपाल जी प्रधान मालपुरा, और यहाँ उपस्थित मेरी सब माताएं बहनें, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी, और फिर सब मेरे बुजुर्ग और भाई जो इधर बैठे हुए हैं, और जो मेरी पुरानी प्रॉब्लम है फोटोग्राफर, पहले आपको प्रणाम तो करूंगी, परंतु आप अगर बैठ जाओगे तो मेरे लिए बड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि वो सब पीछे वाले आपके से बैठ जाएंगे, सामने वाले भी बैठ जाओ प्लीज, तो चार आदमी बैठे हुए खड़ा नहीं अच्छा, बस बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ पीछे वाले लोगों को सबको देखने को, और मैं भी उनको देख सकूंगी, मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा हो जाता है तो मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती है। हेलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दाद देना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ सबने रुक के हम सबका इतने प्यार से स्वागत किया है, उसके लिए आप लोग सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत सारा धन्यवाद आपको। मंच के ऊपर या तो बैठ जाए या नीचे उतर जाए। आज डिग्गी महाराज के यहाँ से दर्शन करके चौथा चरण हम लोगों ने चालू किया है, तीन चरण निकल गए, 3,500 किलोमीटर यात्रा हो चुकी, और अभी गर्मी तो शुरू ही हुई है। ये किसी ने मेरे से पूछा कि यात्रा क्यों कर रहे हो, तो मैंने इनको यही कहा कि जयपुर में इस समय में गर्मी में बैठकर मालूम ये नहीं पड़ता कि वाकई में जनता की क्या परिस्थिति है। जब जनता के बीच में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि जो जयपुर में कहा जा रहा है कि हमने इतना सारा काम इस सरकार के द्वारा जनता के लिए किया है, कि वाकई में वो काम हुआ है कि नहीं। जब तक जनता के बीच में, जनता की आंखों में आंख डाल के जनता से नहीं पूछा जाएगा, तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा कि वाकई में ये काम हुए कि नहीं। जयपुर में बैठ के काम नहीं होता, ये जरूरी होता है कि कभी कभी लोगों के बीच में आना और उनसे पूछना, ये भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। कई कई जगह में मैं गई तो मैंने यहाँ के बारे में भी पता किया, मैंने पूछा कि क्षेत्र में, और पता किया तो बताया कि क्षेत्र में बीसलपुर बांध होने के बावजूद भी ग्रामीण जनता को सबको फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है, क्या ये सही है? फ्लोराइड पानी पीना मजबूर हो रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है, जिस तरीके का पानी है, उसका बिल्कुल गंदा किस्म का पानी है, और उससे लोग बीमार हो रहे हैं, और सबने हमको ये कहा कि फ्लोराइड युक्त पानी। फिर शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों का ये कहना है कि 48 घंटे के अंदर 15-20 मिनट की सप्लाई होती है, क्या ये सही है? 48, अब ये मेरे को सही बता रहे हो कि मैं नोट कर रहा हूँ सर, कि 48 घंटे के अंदर 15-20 मिनट की ही सप्लाई होती है, और वो भी वही 48 घंटे का मतलब 2 दिन कुर्सी पे बैठे हो यार, और पाइपलाइन गल गई है, दूषित पेयजल का पानी आता है, ये भी बात बताया मेरे को, ये भी है सही। मालपुरा में हर दो घंटे में बिजली गायब हो जाती है, कब वापस आएगा वो पता नहीं पड़ता।
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बुरा हाल है, मुश्किल से किसानों को 6 घंटे का सप्लाई होता है, ये सही है? 6 घंटे मिलते हैं क्या 6 घंटे का सप्लाई? 4, और वो भी मुश्किल से। 2 अस्पताल भवन के बीच में आम जनता चक्कर खाती रहती है। रेफरल अस्पताल में 15 डॉक्टर होने चाहिए परंतु काम कर रहे हैं सिर्फ 5। 4 सिर्फ 4। एक्सरे की मशीन बंद है और ईसीजी और सोनोग्राफी की सुविधाएं है ही नहीं। पुराने अस्पताल का भवन बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। अब ये नहीं मालूम, मुझे पर बताते हैं कि हालत खराब है। गर्ल्स के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होम साइंस, भूगोल और समाज शास्त्र के सिवाय और कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। लांबा हरि सिंह का की जो बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां मात्र 1 टीचर के ऊपर 350 बच्चियां पढ़ रही हैं। है कोई वहां का? ये बात सही है? बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए लोगों ने, बच्चियों ने कॉलेज की यहां मांग की है कि हमको कॉलेज मिल जाए, पर टीचर तो मिल जाए पहले। टीचर मिल जाएंगी, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो आगे कॉलेज तो अपने को करना है। मुझे हैरानी है ये देख के कि इतनी हालत खराब। जयपुर टोडा राइसिंग रेलवे लाइन के ऊपर जिसपे आप लोगों ने बहुत ज्यादा धरना, फसाद, हल्ला गुल्ला सब कुछ किया हुआ है। मैंने सुना कि हमारे मंत्री नमो नारायण जी ने नवीनीकरण करवाने का पूरा वायदा किया और पूरक बजट में रेल मंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन 50% राज्य सरकार की तरफ से पैसा देने की जरूरत है उन्होंने बताया। और यहाँ के सीएम साहब ने यह कह दिया कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो मैंने वो रेलवे लाइन अधर में वहीं लटक गई, बंद हो गया। बस बढ़िया है, वो तो होना ही था, वो तो टाइम टाइम पे होता है। कुछ चुनाव हो रहा था क्या तब? जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कोई चुनाव हो रहा था क्या? जब रेलवे लाइन की उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा, पंचायत चुनाव थे क्या? कोई चुनाव ही होगा, नहीं तो ये होता ही नहीं। कस्बे के सड़कों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों की हालत तो बिल्कुल ही जर्जर। रोडवेज बसों का कंप्लीट संचालन अपर्याप्त, लोग जुगाड़ और जीप के अंदर घूमते हैं। क्या ये सही है? अभी मैं जिस रास्ते पे आ रही हूँ जगह जगह पे वो खराब है अभी भी, परंतु जहां नया आपका कारपेटिंग हुआ है वो कारपेटिंग भी उठने लगा है। तो मैंने ये कहा कि कितने दिन हो गए इस रोड जब से बना हुआ है, तो मेरे को बताया कि ये तो 4-5 महीने, 6 महीने, 6 महीने हो गए। कहते हैं 6-7 महीने हो गए, और 6-7 महीने के अंदर ही, अभी तो बरसात नहीं आई है, 6-7 महीने के अंदर ही उखड़ना शुरू हो गया। यह है इसका काम। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमान भी यहीं से चुनाव लड़े थे ना, हार गए वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो कभी कभी आके पता तो कर लेना चाहिए कि यहाँ की हालत क्या है। कभी नहीं आए? आए नहीं, मुझे मालूम है कि कभी नहीं आए। मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जब 2003 में मैंने सरकार संभाली थी तो उस समय यह प्रदेश बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। उस बीमारू प्रदेश को कड़ी मेहनत करके उस गड्ढे में से निकाल के हम लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा किया और उसको 2008 तक अग्रणी प्रदेश की लाइन में लाने का काम कर दिया था, जिससे हमारी जनता, अगर थोड़े 5 साल और हो जाते तो मैं समझती हूँ कि कभी आप लोगों को मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन 5 साल के अंदर हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, और आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने ये 5 साल के अंदर उसको फिर से उस गड्ढे में वापस डालने का पूरा 4.5 साल के अंदर काम किया है। 5-55 साल अपने सिर्फ कांग्रेस के राज को दिया, 5 साल आपने मुझे दिया और 7 साल आप लोगों ने भैरव सिंह जी को दिया। ये 12 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो भी काम हुआ उस 12 साल के अंदर हुआ। और अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लगा
हुआ क्षेत्र है आपसे, उस मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंदर 10 साल मिला उसकी सरकार को, उन्होंने मध्य प्रदेश को आज देश के मानचित्र के ऊपर ला के रख दिया। और उधर गुजरात के मुख्यमंत्री ने 15 साल के अंदर, उनको 15 साल मिले तो देश के नहीं दुनिया के मानचित्र के लाख गुजरात ला के रखा है गुजरात। ये तो जब 15 साल और 10 साल मिले और 5 साल मिले तब हुआ। जाते जाते मुझे याद है मैंने भामाशाह का एक बहुत बड़ा स्कीम चालू करने का काम किया, सब चीज को ध्यान में रखते हुए कि बिजली सही तरीके से आपको मिलनी चाहिए। हमने पहली दफा 2 लाइन में उसको बांटा, एक लाइन किसानों के लिए, एक लाइन महिलाओं के लिए। पहली दफा एक लाइन आपको अपने घर में गया, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की कि 20 से लेकर 22 घंटे आप लोगों को 2008 तक ऐसी स्थिति ला दी थी और 5 साल और हो जाते तो आप लोगों को एक सिंगल फेज के ऊपर जो घर के अंदर बिजली मिल रही थी वो 24 घंटे बिजली आपको देके छोड़ती, उसकी तैयारी हो चुकी थी। और वहां तक था कि आपका एक भी अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 72 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर ठीक करना है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो क्या 72 घंटे में आपके पास वापस आ जाता है? एक 1.5-2 महीना लगता है, और जब आता है तो उसके अंदर 20-25 हजार की रिश्वत जब तक नहीं दोगे तब तक आता है क्या? नहीं आता। ये हमने तय किया था कि एक नहीं 2 आदमी के ऊपर एक ट्रांसफार्मर हो जाएगा तो सबको आराम हो जाएगा। बिजली की ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि आप लोगों को उसके अंदर चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। अब कहां चली गई वो बिजली जो आप तक आने की तैयारी में थी, जो कहीं कहीं क्षेत्र के अंदर आ भी गई थी? वो बिजली आज किसी को नहीं मिलती है, उसके बिना किसान तो बिल्कुल ही मर गया खेत में। उसको सही तरीके से बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बीज नहीं मिलती, आपको DAP मांगो तो क्या मिल जाता है, और माने उसको बीज सही तरीके से मिलता नहीं है, उसकी हालत इतनी खराब है कि जब वो जाता है बाजार में उसको लेके तो उसका मूल्य भी सही नहीं मिलता। और अगर कहीं ओलावृष्टि हो जाती है या पाला पड़ जाता है या कहीं भी ऐसा प्रकोप पड़ जाता है तो आप लोगों को मिला मुआवजा? किसी को मिला? जयपुर में तो बड़ा जोर जोर से लिखा गया था, अखबार में फ्रंट पेज था कि आप लोगों को सबको एक बड़ा मुआवजा का पैकेज दिया है जिसके अंदर बिजली के भी बिल माफ हो गए, जिसके अंदर आप लोगों को पूरी तरह से पैसों का इंतजाम हुआ। मिला क्या? किसी को नहीं मिला। ये तो अखबार अखबार की बात है, अखबार में पढ़ लो तो सोचो कि बढ़िया गढ़ सरकार है, बहुत अच्छा काम करती। मैं एक गांव में अभी सवाई माधोपुर से जब निकल रही थी तो एक गांव में गई तो एक बेचारा गरीब किसान मेरे पास आया, उसके कंधे के ऊपर मीटर टंगा हुआ था, हाथ में बिल था, और वो कह रहा था कि बिल से तो हाथ जल गया क्योंकि 3-4 हजार का बिल मेरे को दिखाया। उसने कहा मेरा मीटर तो मेरे कंधे पे है, मेरे घर के और मेरे लिए मेरा कनेक्शन मुझे मिला नहीं है, पर बिल मुझे मिल गया है। ये 4 हजार का बिल मैं कहां से दूंगा, मेरे पास ना तो कनेक्शन आया है ना मैं इतना बड़ा भारी बिल पे कर सकता हूं। आज आप लोगों के यहां से बिल आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? गांव किसी किसी गांव के अंदर ऐसे बिल आ रहे हैं बिना कनेक्शन के, बिना मीटर के। ऐसी भी स्थिति है जो मैंने देखा, मैं आंखों से देखा। और इसी तरीके से पानी का, इसी तरीके से रास्ते का, और भूल जाओ पढ़ाई लिखाई का। पढ़ाई लिखाई के लिए जब टीचर नहीं है तो कौन जाके पढ़ेगा लिखेगा, कौन कॉलेज में से निकल के आएगा और किसको नौकरी मिलेगी? नौकरी के बारे में पूछो, नौजवानों को पूछो तो नौजवान कहते हैं कि हमें इस 5 साल के अंदर कोई नौकरी नहीं मिली, ना कोई नए टीचर बने, ना कोई डॉक्टर बने। और जब मैं पूछती हूँ, मैं बताती हूँ कि 10 लाख लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था अपनी सरकार के समय। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने क्यों नहीं दिया, तो बोलते हैं कि 40-45 हजार तो हमने बनाए थे, हमें दिखते नहीं है। मैंने जा जा के जगह में पूछा है कि कोई बना टीचर, कोई बना डॉक्टर, तो कोई भी आज तक हाथ उठाया नहीं। हो सकता है कि आगे 4 जो मैं संभाग में जाऊंगी शायद वहां में ही मिल जाए कोई, आज दिन तक नहीं मिला। शायद आपके यहाँ कोई बैठा हो, है कोई टीचर डॉक्टर बनाया? कोई नहीं है, किसी का हाथ अभी तक नहीं है। आप हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? ना कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये पूरा राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। जो काम हम लोगों ने किए थे, पानी का आगे बढ़ाने का काम, जो काम हम लोगों ने किया था रोड्स का आगे बढ़ाने का काम, जो काम हमने किया था बिजली का और रोजगार का, वो सब के सब काम वैसे के वैसे ही ठप हो गए। अब जाते जाते हमने एक और काम आप लोगों के लिए शो निकाला था,
वो था भामाशाह योजना। और वो माताएं बहने आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो योजना आप लोगों को ध्यान में रखते हुए किया था। ये सब बीपीएल के परिवारों के लिए था जिनकी महिलाओं के द्वारा हम ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। ये लघु और सीमांत कृषकों के लिए था, ये एससी और एसटी के लिए था, और हम ये चाह रहे थे कि उनके छोटे छोटे बैंक का इंतजाम बिल्कुल 3 से 5 किलोमीटर की दूरी उनके गांव से हो। वो हाथ में लेके बैंकर चलता है, वो आप लोगों के पास आए और 3 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको कार्ड के द्वारा आपका आराम के लिए ये काम करे। हम चाह रहे थे कि 1500 रुपए महिलाओं को अपने वैसे ही प्रोत्साहन की तरह से उनको मिले। हम चाह रहे थे कि उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का, मैंने आप लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 30,000 रुपए का हमने इंतजाम किया था। इसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बैंकों के अंदर करीबन 18 लाख मैंने लोगों का इंतजाम हम लोगों ने कर रखा था और 10 लाख रुपया उसमें 10 लाख लोगों के लिए वो पैसा ट्रांसफर हो चुका था। और मैं मानती हूँ कि करीबन 50 लाख से ज्यादा लोगों को ये मिलती और उसके साथ साथ उसके पेंशन भी मिलती, उसके साथ साथ कई और जो थे वो सब उनको मिलती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस स्कीम को 4.5 साल तक बंद क्यों रखा, आज रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर उसी समय से चालू कर दिया होता तो 4.5 साल तक लोगों को ये सब काम मिल जाता, किसी को घर पे हाथ पे हाथ करके बैठने की जरूरत नहीं होती। भामाशाह योजना के द्वारा सब लोगों को पेंशन भी मिल जाता, महिलाओं को पैसा भी मिल जाता, बीपीएल के परिवारों को पैसा भी मिल जाता। अब तो इलेक्शन आ गया ना, 6 महीने बाकी बच रहे हैं, हमको लगता है कि हम लोग कोई नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा। पर मैं सबको कह रही हूं, ये पैसा आप ही का है, इसको लो, इसमें कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो सब आप ही के पैसे से हो रहा है। ये पैसा लो, परंतु ध्यान रखो कि जिन लोगों ने 4.5 साल तक आपकी सुध नहीं ली है, वो ये 6 महीने के बाद उसी स्थिति में, अगर भगवान न करे फिर जीत के आ जाए, तो यही स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए सब किसानों को, सब लोगों को मैं आगाह कर रही हूं, ये तो बहुत आसान है आखिरी 3 महीने में सब करने का, परंतु ये काम अगर करना था तो सही तरीके से जिस दिन से वो सरकार और कुर्सी में बैठे तब से लेके आज तक करते, तो मैं समझती हूँ कि कितने सारे लोगों को फायदा मिल जाता। आज कुछ लोगों को मिला है, ये तो 50 लाख से ज्यादा लोगों की स्कीम थी और सबको मिल जाता पैसा, सबको मिल जाते पेंशन, सबको एससी एसटी लघु सीमांत कृषक सबको। ये क्यों नहीं किया अभी तक, अब क्यों कर रहे हैं? और जो सरकार सिर्फ अभी करने वाली है और पहले नहीं कर सकती थी, उस सरकार के ऊपर हम क्या भरोसा कर सकते हैं? क्या आगे चल के वो सरकार हमारा कुछ भला करेगी, या क्या हमारे साथ इसी तरीके से कपट और छलावा करेगी? मैं आप लोग सबको कहती हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने हमेशा आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके से वोट कभी भी झूठ बोल के किसी से नहीं लिया। मैंने 36 के 36 कौम को अपना माना और 36 के 36 कौम को यही कहा कि आपको सबको परिवार के रूप में, झगड़ा आपके दूसरे के बीच में नहीं कराना चाहते, सब पूरे के पूरे एक परिवार के रूप में आ जाए, सब हमारे जो मजहब के लोग हैं वो भी सब एक साथ आ जाए। और राजस्थान का विकास तो तब होगा जब हम लोग सब पूरा परिवार मिलकर आवाज उठाते चल देंगे, तो हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता। हमारा विकास तब रुकता है जब हम एक दूसरे के बीच में अलग हो जाते। और इसीलिए कांग्रेस ने 50 साल से यही रणनीति अपनाई है कि इनको इससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, घर घर में भाई को लड़ा दो, वो लड़ते रहेंगे तो कोई काम होगा नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं कह रही हूं कि राजस्थान को अब गड्ढे में पड़ा रहना ये बहुत नामंजूर है हमारे लिए। आगे से इस तरफ से मध्य प्रदेश बढ़ गया और गुजरात बढ़ गया, सब स्टेट आगे निकल गए, बस हम ही रह गए। हम चाहते हैं कि हमारी 30 साल पीछे गए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 30 साल हम लोग पीछे गए। मैं कभी कभी, आप बाबा आप बोले हो मेरे को, कभी कभी मैं ये सोचा करती थी, अपने आप अंदर ही सोचती थी कि क्या सब लोगों को ये समझ में आ रही है कि 4-4.5 साल के मौज मस्ती के अंदर किस तरीके से राजस्थान के साथ खिलवाड़ हुआ है और किस तरीके से राजस्थान के लोगों को पीछे कर दिया है। आप 4 महीने पहले आप रेवड़ी बांटोगे और सबको कहोगे कि आ जाओ भैया हमको वोट दे दो, और आपको लगता है कि किसी के ध्यान में नहीं आ रही है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए भाइयों और बहनों, सब मेरे किसानों, किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ
कि ये बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है। हमें सबको दिखाना है कि हम इस चुनौती को हाथ में लेके और इस चुनौती को अपनी चुनौती देंगे कि ये पूरा परिवार एक होगा और ये पूरा परिवार एक आवाज उठा के आगे चलेगा और ये पूरा परिवार चाहता है कि एक ऐसा नया राजस्थान बने, एक राजस्थान जिसमें हमारी महिलाओं की इज्जत हो। आप देख लीजिए वो मूक बधिर, आपने पढ़ा होगा सब अखबार के अंदर, 8 महीनों के साथ उनके साथ अत्याचार हो गया, बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों बच्चियों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ। और 30 अप्रैल को मालूम था, परंतु आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कॉपी खराब हो जाए। इसके पीछे आपने हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार होने दिया, हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार होने दिया, कौन बर्दाश्त करेगा? और मैं कहती हूं कि जो परिवार का मुखिया, जो परिवार का मुखिया इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है, क्या उस परिवार का मुखिया जो हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बिटिया की इज्जत को नहीं बचा सकता है, उसको तो मैं कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मैं नहीं समझती हूँ कि जो अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं रख सकता, वो हमारे प्रदेश की क्या इज्जत रखेगा। हमें चाहिए एक ऐसा नया राजस्थान जहां सीबीआई नाम की चीज नहीं दिखाई दे। सुना है सीबीआई का नाम? जब भी आपको लगता है कि हमारे हाथ से बाहर जा रही है तो सीबीआई ले आओ, सीबीआई को कभी किसी को धमका दो तो कभी किसी को धमका दो। आज ऐसे व्यक्ति को बंद करने की कोशिश की है जिसके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, बताओ भाई। अभी तो कह सकते हो नहीं वो तो ऐसा है वो वैसा है, परंतु गुलाब जी जैसा ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हो, जिसको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक हो गई, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि इस कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, तो पार्टी को किसी भी तरीके से खींचतान करके खत्म करने का काम हम कैसे करें? तो कैसे करें? सीबीआई और क्या, सीबीआई। अब आपने सोचा है कि गुलाब जी को आप फंसा दो तो गुलाब जी और दूसरे लोग जो मंच के ऊपर है वो भी डर जाएं। क्या मालूम तुम्हारा टर्न कब आ सकता है? आज मेरा भी हो सकता है, कल कैलाश जी का भी हो सकता है, यहाँ अध्यक्ष बैठे हुए उनका भी हो सकता है, वो एक्स एमएलए एमएलए मंत्री बैठे इनका भी हो सकता है भाई, डर जाए सब। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं, एक तो गुलाब जी के साथ बिल्कुल एक मुखी होके खड़ी होगी, पूरी पार्टी अपने के लिए खड़ी होगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम ऐसे नहीं ऐसे लोगों से और इस सीबीआई से डरते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लोग बिल्कुल पाक साफ है, कि इन्हें भी ऐसी बदमाशियां नहीं की है जिनकी करते रहते हैं। आप दिल्ली देख लो क्या हो रहा है वहां, कौन कितना खा रहा है, ये हजारों में नहीं, सौ में नहीं, ये तो लाखों में करोड़ों में खाते हैं। और आपको ना हमको किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आती कि वो किसके कितने शून्य लगे हुए हैं, उसके पीछे कितने शून्य लगे हुए, मैं समझ में नहीं आता। जो से अभी तो ये पूरा परिवार खा रहा है, राजस्थान को खा के चूस के फेंक दिया है। आपको मालूम है राजीव का ये रॉबर्ट वाड्रा कौन है? कौन है भैया? देश का जवाई। हाँ, देश के जवाई को 3 डिस्ट्रिक्ट वहां तो मैं जानती हूँ बेच दिए, चाहे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जमीनें हमारे किसानों को नहीं दी, परंतु देश के जवाई ने मांगा तो उसको तो दे दी। इस तरीके से हो रहा है और लाखों करोड़ों रुपए वहां कमाया जा रहा है, सब लोग बैठ के उसको कमा रहे हैं और ये सोचते हैं कि आप किसी के कान में बात ही नहीं आई। गरीब किसान है ये, माता बहने क्या समझती हैं, ये युवाओं क्या समझते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं और फिर भी इनकी आंखों को बंद करके झूठ और फरेब के जाल में इनको बांध के और हम वजह से फिर इनके वोट को लूट सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नए राजस्थान के अंदर हमें इन किसी से डर नहीं है, हमको अपने राजस्थान और अपने परिवार की लड़ाई लड़नी है। हम जानते हैं कि अगर हम इस चुनाव और परिवार नहीं लड़ेंगे तो ये मान के चलो कि राजस्थान आगे नहीं जाएगा, और आगे राजस्थान नहीं चला तो हमारे बच्चे और हम उनका जो भविष्य है वो अधर में पड़ जाएगा। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमारी महिलाओं के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, ताकि ऐसा नया राजस्थान जिसमें ये खड़ा हो सके, इज्जत के साथ खड़ा हो सके, उनके साथ अत्याचार ना हो। और अगर किसी ने आंख उठा के देखने की भी कोशिश की तो उसकी आंख निकाल के बाहर निकाल के फेंकने की, ये हम सब के अंदर ताकत होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति राजस्थान के अंदर हमको लाने की जरूरत है। जिस परिवार की महिला सुरक्षित नहीं है वो परिवार सुरक्षित नहीं, ये मान के चलो। और फिर हमारे युवा
ऐसे युवा होने चाहिए जिनको नौकरी मिले, ऐसा राजस्थान होना चाहिए जिसमें किसान अपने मजबूती से खड़ा हो सके। क्या आप लोग सब तय हो, आप लोग चाहते हो कि ऐसा राजस्थान बने? अगर चाहते तो हिम्मत है आप में करने के लिए लड़ाई? है क्या बताओ? अगर है लड़ने की तैयारी है तो तैयारी है तो मेरे जोर से बोलो एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाइयों ये आवाज कहां तक जाएगी, और माताएं बहने एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार। मैं तो लड़ने को तैयार हूँ, परंतु सेना भी लड़ने की तैयारी में हो, और हम लोग सब मिलके साथ मिलके चले, यही विश्वास रहा मैं आप लोग सबको चाहती हूँ। आधोरे दिए हाथ चले तुझे के